जीना नाथ, इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। ठाकुर, हम डाकुओं को अपने जीने का मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम किसान हैं, सिपाही नहीं। हाँ शंकर, हम किसान हैं। ये देश तो युग युग से किसानों का देश है, लेकिन जब जब किसी जालिम ने हमला किया है, गंगा कसम, हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। हमारी रगों में कायरों का खून नहीं है, कायरों का खून नहीं है हमारी रगों में। लेकिन बेटा, इस खून खराबे से क्या होगा? भला अहिंसा भी तो एक चीज है। अहिंसा को मैं भी मानता हूं चाचा, लेकिन एक दुष्ट पापी के सामने सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुजदिली है। जो झुकते नहीं वो टूट जाते हैं ठाकुर। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम, मगर जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा। अरे कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम अगर ये दोनों इस गांव में रहे। ठाकुर साहब, आपका खत मिलती मैंने सोचा आपने मुझे याद किया है, अगली गाली से चलाया। जेलर साहब, मैं आपको एक तकलीफ देना चाहता हूं। हाँ हाँ कहिए, बिल्कुल कोई भी काम हो। मुझे दो आदमियों की जरूरत है। दो आदमी? रामलाल। इन्हें पहचानते हैं आप? ठाकुर साहब, शायद ही कोई ऐसा जेल हो जिसमें ये दोनों ना गए हों। ये वीरू है और ये जयदेव, दोनों के दोनों पक्के बदमाश, एक नंबर के चोर, छठे हुए गुंडे हैं। जानता हूं, लेकिन काम कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसे ही आदमियों की जरूरत है। ठाकुर साहब, मैं ये तो नहीं जानता कि आपको क्या काम है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं ये दोनों किसी काम के नहीं। नहीं जिले साहब, अगर एक तरफ इनमें ये सब खराबियां हैं तो दूसरी तरफ कुछ खूबियां भी हैं। खोटा सिक्का तो दोनों ही तरह से खोटा होता है। सिक्के और इंसान में शायद यही फर्क है। मुझे याद है, 2 बरस पहले की बात है, डिस्ट्रिक्ट जमालपुर में मैंने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। शाम ढलने से पहले हमें तामली पुलिस स्टेशन पहुंचना था, कोई दूसरा इंतजाम ना हो सका, इसलिए हम एक मालगाड़ी में आ रहे थे। मैं, 2 सिपाही और हथकड़ियां पहने ये दोनों बदमाश, जयदेव और वीरू। थानेदार साहब, आप कभी दौलतपुर थाने पे भी थे? हाँ, पहले था। क्यों? हाँ, अब याद आया, जब से आपने पकड़ा है तब से सोच रहा हूँ कि आपको पहले कहाँ देखा है। वहाँ वो लालजी भाई बनिया की दुकान थी ना, जहाँ चोरी हो गई थी, याद है आपको? लालजी भाई बनिया? नहीं तो नहीं याद। जय जय, याद है जब हम 2 दिन के लिए दौलतपुर थाने में बंद हुए थे? दौलतपुर थाने? हाँ। कब बंद हुए थे? अबे जब वो बनिए की दुकान का ताला तोड़ा था तब। थानेदार यही तो थे, नहीं बेचाना? मुझे तो सब पुलिस वालों की सूरतें एक जैसी लगती हैं। अब क्या बोलूं, इसकी तो आदत है भगभग करने की। तुम दोनों ये धंधे कितने दिनों से कर रहे हो? बस यूं समझिए थानेदार साहब, वो संभालते ही अपने पैरों पे खड़े हो गए। क्यों करते हो ये सर? जिसलिए आप पुलिस की नौकरी करते हैं, पैसा। नहीं,
मैं पुलिस की नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करता, उसके लिए तो मेरे पुरखों की खेती बाड़ी ही काफी है। शायद खतरों से खेलने का शौक है मुझे। हम भी तो रोज खतरों से खेलते हैं। फर्क है, मैं कानून की हिफाजत के लिए खतरे मोल लेता हूँ और तुम कानून तोड़ने के लिए। और दोनों ही कामों में बहादुरी की जरूरत होती है। हाँ, जरूरत होती है। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। अगर मौका मिले तो देख लेना थानेदार साहब, हम दोनों 15-20 में तो भारी पड़ेंगे। तुझे मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? पार्टनर अब बोल ही दिया तो देख देख ले। Thank you.
मैंने कहा था भागने की कोशिश। क्या बोलता है? भाग तो सकते हैं। इसे इस हालत में छोड़कर? इस हालत में छोड़ा तो ये मर जाए। और अगर अस्पताल ले गए तो गए 4-6 महीने के लिए अंदर। क्या बोलता है? तू बोल। निकाल वो ही। हेल्थ अस्पताल ले चलते। हेल्थ भाग चलते। हेल्थ वो बदमाश हैं, लेकिन बहादुर हैं, खतरनाक हैं, इसलिए कि लड़ना जानते हैं। बुरे हैं मगर इंसान हैं। चिलर साहब, क्या इन दोनों का आप मेरे लिए ढूंढ सकते हैं? अगर आजकल किसी जेल में हैं तो आसानी से मिल जाएंगे, और अगर कहीं बाहर हैं तो ऐसे लोगों का कोई ठिकाना तो होता नहीं।
जेल जाना चाहती। अल्लाह की तमन्ना पूरी करे। भोपाल होता तो हम तो ये थे दो मिनट में आपको अंदर करवा देते। हमारा नाम सूरमा भोपाली ये थे नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी क्या जरूरत है? या तो वैसे ही आपके नाम का वारंट निकला हुआ है। लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हमें जेल ले जाओ। क्या किए गए हो आप? हम पर 2,000 रुपए का इनाम है, वो पूरा तुम्हें मिल जाए। और जब हम छूट कर आए तो उसमें से आधा हमें दे देना, समझे? क्या कह रहे हो आप? अरे खां, मैं तो कह रही हूँ पान खा लो आप। ले लो पान, बहुत अच्छा है भैया, बहुत बनेगा पान है। ये जाने काका आते आ जाते हैं। अरे छे! ये साली ब्रेक कब से शुरू हो गई? बेटा तुम्हारा आज पहला दिन है, सब पता चल जाएगा। नया जेलर बहुत खड़ूस है। नया जेलर बहुत खड़ूस है आ रहा है। अटेंशन, हमने कहा अटेंशन। सर वो तो पहले ही से अटेंशन है। जानते हैं। कान खोल कर सुन लो, हमारे आने से पहले जो कुछ जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा। नो। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आजकल के जेलरों की तरह नहीं जो कैदियों को सुधारने की फिक्र में लगे रहते हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते हो। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम क्या सुधरोगे? हाय! हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। देखिए हमारी
जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं। घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये क्या परिंदा हुजूर? कबूतर, कबूतर निकालो। अच्छा जाने दो। आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो। बड़ा अजीब आदमी है। जेलर था, जासूस कौन है? मैं बताऊं, वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुचड़ा है मुआ। हाँ हरिराम नाई। हरिराम अब तो ये मूंछे भी निकाल दो। सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू। अच्छा कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को? काट दिया। सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए। सुरंग निकाल कहां से रहे हो? बैरिक नंबर 9 के बराबर से। कहीं जेलर को पता ना चल जाए। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आओ। बस हो गया। आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो? आप होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है। आओ, जेल में सुरंग? क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहा है। आओ, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। हमारी जेल में सुरंग? मैं
पिस्तौल यहां है, जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर। चलूं कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है। पहला ऑर्डर कैंसिल। चार अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ। अटेंशन, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, राइट दरवाजा खुलवाओ। जी सर। दरवाजा खोलो। यस सर। ये रही चाबी, ये रहा पिस्तौल। उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना? अरे कोशिश, ये थी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना, एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को, मैंने पकड़ के टांग तो खींचिए के जाते किधर हुआ, और कस के धो दिए लबाड़े के चलो छाने, बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ हाँ। मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने पिन फिनाइए तो जाना सुधाई कर दी, झटा झट झटा झट, बहुत मारा बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो, चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो कैसे ही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से, ये तो माशाल्लाह, तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है। सूरमा भाई। हाँ भाई। हम अपने 1000 रुपए लेने आए। 1000 रुपए? हाँ हाँ, 1000 रुपए। अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है, लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो, ये देखो 200 के 10 है, गिन लो। अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे। मुझे इन्हीं दोनों की तलाश थी। कब तक इन दोनों की सजा खत्म हो जाएगी? अगले महीने की 18 तारीख को। संतरी साहब, एक बीड़ी पिलाइए। इंस्पेक्टर साहब, आज किसे जेल छोड़ने आए हैं? अब मैं इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह हूं। क्यों? पत्रों से खेलने का शौक छूट गया ठाकुर साहब?
अपनी बहादुरी पर अगर इतना ही घमंड है तो एक काम करोगे मेरे लिए? हम काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। कितने चाहिए? 1,000 हो तो इसकी फिक्र क्यों करते हो? कीमत जो तुम चाहो, काम जो मैं चाहूं। गब्बर सिंह, वो मशहूर डाकू? हाँ वही। सुना है उस पर तो पुलिस ने कुछ इनाम भी रखा है। 50,000 जिंदा या मुर्दा। तुम्हें उस डाकू को मेरे लिए पकड़ना है जिंदा। गब्बर सिंह को पकड़ना है वो भी जिंदा? ठाकुर साहब, गब्बर सिंह कोई बकरी का बच्चा है जो दौड़े और पकड़ लिया? जानता हूं काम मुश्किल है, लेकिन आसान कामों के इतने पैसे नहीं दिए जाते। चलिए माना हमने अपनी जान पर खेल कर किसी तरह गब्बर सिंह को पकड़ भी लिया। आप चाहते हैं 20,000 में हम उसे आपके हवाले कर दें और आप घर बैठे 50,000 कमाएं? पुलिस का इनाम भी तुम्हीं को मिलेगा, मुझे सिर्फ गब्बर चाहिए। कोई पुरानी दुश्मनी? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं। तो कुछ और पूछें ठाकुर साहब, आपकी नजरों में हम भी तो चोर बदमाश हैं, फिर उस डाकू को पकड़ने के लिए आपने हम दोनों को क्यों चुना? इसलिए कि लोहा लोहे को काटता है। रामलाल, ये 5,000 हैं, दूसरे 5 जब तुम रामगढ़ आओगे, बाकी के काम खत्म होने के बाद। पार्टनर क्या बोलता है? हेड चलते हैं। टेल नो। पहले ये गांव खेड़ा है साहब, यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही चलता है। देखो मुझे बेफिजूल बात करने की आदत तो है नहीं, चलना है तो बोलो चलना है। अरे भाई हमको तो चलना नहीं है। चलना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब बसंती से कोई दुश्मनी तो नहीं हो जाएगी। तुम बाहर निकले तो मैंने सोचा कि तांगा करोगे तो पूछ लिया, अब कोई जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं। बैठे बैठे नहीं बैठे नहीं बैठे। अरे ये तो बसंती का तांगा है, किसी जमींदार की बेकारी थोड़ी है कि मर्जी न मर्जी करना ही पड़े। तो आज तो वही मिसाल हो गई कि हाँ चलिए चलना है चलना है चलना है यार। हाँ हाँ तो आ जाओ, मैंने कब मना किया? देखो मुझे बेफिजूल की बात करने की आदत तो है नहीं, इसलिए पहले ही से बोल देना अच्छा है। बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का 1.5 रुपया, इसमें झिकझिक मत करना। बसंती जो बोल गए सो बोल गए। हाँ तो ठीक है हम तो हाँ समझ गई। तो यही पूछोगे ना कि बसंती बेलापुर का 2 और रामगढ़ का 1.5 क्यों? तो पूछो कि तांगा किस गांव का है, पूछो पूछो। किस गांव का है जी? रामगढ़ का है। अच्छा तो रामगढ़ का है। यूं कि देखने वाली बात ये भी है कि अगर हम बेलापुर की सवारी लें तो 2 चक्कर हो जाते हैं, यहां से बेलापुर, बेलापुर से रामगढ़, और अगर रामगढ़ गए तो समझो रामगढ़ गए, क्योंकि तांगा भी रामगढ़ का है और हम भी रामगढ़ के हैं। ये तो हुई हमारी बात, अब ये बताओ कि तुम कहाँ जाओगे? यूं के हम भी रामगढ़ ही जाएंगे। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? यूं के वहाँ किसके घर जाना है ये तो बताना ही पड़ेगा कि बसंती उस घर को ले चलो, क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि तुमको जाना कहाँ है तो हम तांगा रोकेंगे कहाँ, और अगर हमने तांगा नहीं रोका तो तांगा रुकेगा कैसे? क्योंकि देखने वाली बात ये है कि तांगा चला कौन रहा है, तांगा हम चला रहे हैं, और अगर हम ही ये न जाने ठाकुर बलदेव सिंह के घर जाना है। हाँ हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया? तो फिर बोलो ना ठाकुर साहब के घर जाना है। चाय खानो, क्योंकि ये तो वही मिसाल हो गए हैं। तो आप समझ
के बाद मौसी और तांगे की जिम्मेदारी किस पर आ गई? हम पर आ गई। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि बसंती लड़की होकर तांगा चलाती हो, तो हम उसका जवाब ये देते हैं, धन्नो घोड़ी होकर तांगा खेल सकती है, तो बसंती लड़की होकर तांगा क्यों नहीं चला सकती है? बोलो। इसमें क्या बात है, शहर में भी तो लड़कियां मोटर गाड़ियां चलाती हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। रहने वाले शहर के हो लेकिन समझदार लगते हो, क्या नाम है? वीरू। तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है बसंती? चुपे, जब देखो बकबक 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 करता रहता। क्योंकि हमने आपसे तो बात नहीं की थी, लेकिन अगर हमसे ये पूछ ही लिया तो हम बताए देते हैं हमारा नाम बसंती है। पहली बार सुना ये नाम। बसंती बड़ा प्यारा नाम है। हमारा नाम बसंती क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक बात है। क्या बात है, बताओ बताओ। वह ये कि जब मैं छोटी सी थी तब मौसी के देवर की सास ने कहा क्या कहा? करने की आदत ज्यादा है। ये रहा तुम्हारा 1.5 रुपया। यूँ कि तुम आदमी अच्छे हो इसलिए तुमसे पैसा तो लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, इसलिए हम ये 1.5 रुपया ले लेते हैं। बहुत मेहरबानी आपकी। चल धन्नो पलट। हाय क्या प्यारी बातें करती है। प्यारी नहीं, बहुत सारी बातें करती है। चल यहाँ लड़की देखी लाइन लगाना, चलो चल चलना। आइए आइए आइए। नमस्ते ठाकुर साहब। यहाँ पहुंचने में तकलीफ तो नहीं हुई? जी कोई खास नहीं। आइए। अगर एक खत डाल देते तो मेरा आदमी स्टेशन आ जाता। तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। रावलाल। मेरा वादा था गांव पहुंचते ही तुम्हें 5,000 मिल जाएंगे। काम अच्छी तरह याद है ना, मुझे गब्बर चाहिए जिंदा। जी हाँ याद है, आपको गब्बर चाहिए और जिंदा चाहिए, मिल जाएगा। थके होंगे, आराम करो, बाकी बातें बाद में करेंगे। आइए। आइए। सुनिए आप लोग वहां चलिए, मैं चाबी लेकर आता हूं। तिजोरी में काफी माल है। लगता है इस गांव के लोग सोना बहुत पहनते हैं। बोल क्या बोलता है। काफी बड़ा मकान है। अच्छा है, कौन कौन रहता है यहाँ पर? चाबी, ये आपके रहने की जगह है, किसी चीज की जरूरत हो तो पुकार लीजिएगा। पुकार लेंगे। यार वीरू चक्कर क्या है, कुछ समझ नहीं है। हमें क्या लेना है जय, 10,000 ठाकुर ने दे दिए हैं, बाकी आज रात को तिजोरी में झाड़ू मारकर फूट चलेंगे। ठीक है, अगर रात को जागना है तो अभी सो लें। चल।
ठाकुर साहब, ये लोग? ये मेरे आदमी है। तो फिर इन्होंने हम पे हमला क्यों किया? मैं देखना चाहता था अब भी तुम्हें वही हिम्मत और ताकत है या वक्त की दीमत ने तुम्हारे बाजुओं को खोखला कर दिया। तो फिर क्या देखा आपने? मैंने देखा तुम्हें यहां बुलाकर मैंने कोई गलती नहीं की। एक गलती की ठाकुर साहब, हमें तिजोरी खोलकर दिखा दी। तिजोरी की चाबी, इसमें मेरे वो गहने जो मेरे लिए बेकार है, मुझे अब कभी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़े बहुत पैसे हैं, वो भी ले जाओ। अच्छा है, बाबूजी की झूठी उम्मीदें तो टूटेंगी जो उन्होंने तुम लोगों से लगा रखी है। कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होगा। बेलापुर जाना हो तो नखरे देखो इनके, खाए जाओ बकर बकर। ओ बसंती, मौसी मैं यहाँ हूँ इस गधिया के पास। लो अब इनकी झिक झिक सुनो। अरे वो छोकरिया, दिन भर हवा हवाई घूमती हो मगर मैं कोई काम बोलूँ तो जू नहीं रेंगती कान पर। लो और सुनो। अरे मौसी, तुम तो बस हुक्का पानी लेकर चढ़ जाती हो, सुनती तो हो नहीं। कौन सा काम कहा था तुमने वैद्य के पास जाने का? ना तो मैं गई थी तुम्हारी दवा लाने के लिए वैद्य के पास, अब वो थे नहीं तो मैं क्या करूं? पड़ोसी कह रहे थे कि वो बहुत बीमार हैं और दूसरे गांव गए हैं दवा दारू लाने के लिए। ओहो, मैंने तो वैद्य का नाम भी नहीं लिया और तूने पूरी कथा सुना दी। तो फिर कौन सा काम कहा था? कच्चे आम लाने को नहीं कहा था अचार के लिए? पर तुझे याद रहे तब ना। कच्चे आम? हाँ कहा तो था, भी लाती हूँ। इमाम साहब, मैं आपको छोड़ दूं? कौन? बसंती। हाँ। आज तू है? कितने बरस हो गए मुझे इस गांव में, तू तो पैदा भी नहीं हुई थी, लेकिन आज तक मस्जिद की सीढ़ियां मैं बाद में उतरता हूँ, कोई ना कोई सहारा पहले दे देता है। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं देगा सहारा? क्योंकि ऐसा गांव में कौन है जो आपकी इज्जत नहीं करता हो? जो इज्जत करेगा, जो मान देगा, वो सहारा क्यों नहीं देगा? वो तो देगा सहारा, क्योंकि देखने वाली बात ये भी है कि इतनी बकबक कर लेती है तो अहमद को समझाती क्यों नहीं?
तुझसे तो छोटा छोटा भी है उम्र में। यूँ कि हमें समझाना तो बहुत अच्छी तरह आता है इमाम साहब, और आपके बेटे को भी समझा सकते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है कि जब तक हमको ये नहीं मालूम हो कि हमें समझाना क्या है, तो फिर हम समझाएंगे कैसे? अरे भाई, अहमद का मामू जबलपुर में बीड़ी के कारखाने में मुलाजिम है, 300 रुपया तनख्वाह है। अच्छा? हाँ, कितनी बार मुझे लिख चुका है, अहमद मियाँ को यहाँ भेज दो, अपने सेठ जी से कहकर दफ्तर में रखवा देंगे, लेकिन ये अहमद है कि जाने को तैयार ही नहीं है, कहता है आप अकेले हो जाएंगे। कैसी हो दीदी? अरे भाई अहमद, हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम ये बताओ, एक तो तुम 10 जमात पास भी हो, अंग्रेजी भी जानते हो, और तुम्हारे जबलपुर के मामू ने लिख भी दिया है कि तुम भी आ गई अब्बा की बातों में, जो मिलता है उसे यही कहते हैं। अरे भाई, बसंती ने पूछा, मैंने कह दिया। क्योंकि हमें बेफिजुल बात करने की आदत तो है नहीं, लेकिन सोच लो ये कारखाना बीड़ी का है, जब तक दिल चाहा काम किया, नहीं तो आराम से बीड़ी पी ली, यानी कि ये तो वही मिसाल हो गई कि आम के आम गुठलियों के दाम। अरे क्या हुआ? आम, मैं तो फिर भूल गई थी, कच्चे आम। कच्चे आम? हाँ, कच्चे आम अचार के लिए। अरे यूके, तुम यहाँ कैसे? यूके यू ही बोलो, कौन सा आम तोड़ना है? जो मैं आम बोलूं, तुम गोली मारकर तोड़ सकते हो? ये हमारे बाएं हाथ का खेल है, बड़े बड़े निशानेबाज हमारे पैर छूते हैं और कहते हैं वीरू, तुम्हारे जैसा निशानेबाज पैदा नहीं हुआ। तुम तो बड़े निशानचे लगते हो। हाँ, जेम्स बॉन्ड के पोते हैं ये। यूके कौन है? अरे ऐसे तो ऐसे ही बड़बड़ करने की आदत है, हाँ तुम बताओ कौन सा आम तोड़ू? एक वो, एक ये, और एक ये। अरे ये तो तुम्हारा दोस्त भी। हाँ हाँ, काफी होशियार है लड़का, अभी मैं सिखा रहा हूँ, जल्दी सीख जाएगा। तुम मुझे भी सिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ, तुम्हें तो मैं दो दिन में सिखा सकता हूँ। दो दिन में सिखाओगे? बहुतों को तो इन्होंने 2 घंटे में सिखा दिया है। 2 घंटे में? अरे इसकी तो आदत है बक बक करने की, तुम्हें पिस्तौल चलाना सीखना है ना, तो इधर आओ आओ, आओ। वो आम नजर आ रहा है ना? हाँ, अब पकड़ो पिस्तौल, पकड़ो, और ये हाथ ऐसे 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 यहाँ, और ये उंगली यहाँ। हाँ? हाँ? और अब आंखें बंद कर लो। मैंने तो आंख पहले ही बंद कर रखी है। यूकि ये क्या कह रहे हैं? इसकी तो आदत है बक बक करने की, तुम आंखें बंद करो। बंद की? अब देखो वो आम नजर आ रहा है। यूकि अजीब बात कही तुमने, आंखें बंद करके आम दिखाई देता है क्या? तुमने क्या दोनों आंखें बंद कर ली? हाँ। दोनों नहीं, बाई आंख, ये आंख, ये आंख बंद करो और दूसरी आंख से निशाना बांधो। अब गोली चला दो। लग गया निशाना। यूं कि हम सीख तो रहे थे गोली चलाना, लेकिन अब हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल काला? काली दाल? मैं समझा नहीं। मगर मैं समझ गई, ये तुम शहर के लोग समझते हो कि हम गांव वालों का अकल तो है नहीं, लेकिन बसंती तुम जैसों को तांगे में बिठा कर गांव के 4 चक्कर लगा कर स्टेशन तक छोड़ कर आ गया। बसंती, मैं तुम्हें पिस्तौल चलाना सिखा रहा था, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, अच्छी तरह समझती हूँ। अब तुम यहाँ बैठ कर चलाओ पिस्तौल, बसंती चले अपने घर, जय राम जी की। Thank you.
आओ आओ शंकर, क्या लाए हो? मालिक ज्वार लाया हूँ। मालिक के बच्चे, हमारे लिए ये आधी मुट्ठी ज्वार लाया है और बाकी क्या अपनी बेटी के बरातियों को खिलाने के लिए रखिए? माई बाप जितनी थी सब लाया हूँ। जिस दिन एक गोली उतर गई खोपड़ी में, जितना भेजा है सब बाहर निकल आएगा। राम ज़्यादा। क्या लाए हो धोलिया? क्यों है मालिक? ठीक है, रख दो सब माल वहीं पर। ठहरो। आओ ठाकुर आओ, अभी तक जिंदा हो? और जब तक मैं जिंदा हूँ, गब्बर से कहना तुम इस गांव से एक दाना भी नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा हमें? तुम? हाँ, मैं और मेरे आदमी। ये आदमी? सुनो, ठाकुर ने हिजड़ों की फौज बनाई है। मौत तुम्हारे सर पर खेल रही है कालिया, नजर उठाकर देख लो। तो बस तुम्हारे लिए काफी है। काशीराम, सब सामान वापस रखवा दो। सोच लो ठाकुर, गब्बर को पता चला कि इस गांव ने उसके आदमियों को अनाज नहीं दिया तो बहुत खून खराबा हो सकता है। क्यों बेकार में? अब जाओ और गब्बर से कह देना रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। चले जाओ यहाँ से। जाता हूँ ठाकुर, जाता हूँ। चलो। कितने आदमी थे? सरदार, दो आदमी थे। दो आदमी। वो दो थे और तुम तीन, फिर भी वापस आ गए। खाली हाथ क्या समझ कर आए थे कि सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा? क्यों धिक्कार है? अरे ओ सांभा, कितना इनाम रखे है सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना, पूरे 50,000। और ये इनाम इसलिए है कि यहां से 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता है तो मां कहती है बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। और ये तीन हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। कितनी गोली है इसके अंदर? कितनी गोली है? छह सरदार, छह गोली।
छह गोली है इसका अंदर, छह गोली और आदमी थी अब ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब इसके तीन खानों में गोली है, तीन खाली। अब हम इसको घुमाएंगे। अब कहाँ गोली है कहाँ नहीं हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। इस पिस्तौल में तीन जिंदगी तीन मौत बंद है, देखें किसे क्या मिलता है। बच गया साला, ये भी बच गया। तेरा क्या होगा कालिया? सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार। अब गोली खा। कमाल हो गया। तीनों बच गए, ये तीनों आराम जाने को गोली नहीं। डर गया समझो मर गया। होली कब है? कब है होली? कब? I'm
अच्छा तो ये है ठाकुर का फौजी। सांभा कालिया तू कहता था कि दो है, ये दूसरा कहां है? कहां है रे दूसरा? ए फौजी तेरा जोड़ीदार कहां है बता। अरे ओ फौजी नंबर दो, तू आता है बाहर या मार दू गोली तेरे जोड़ीदार को। शाबाश। क्यों ठाकुर इन्हें लाए थे रामगढ़ की रक्षा करने, गब्बर से टक्कर लेने? क्यों रामगढ़ के वासियों जाग कर देखो अपने अपने घरों से, यही जियाले आए थे तुम्हें गब्बर सिंह से बचाने के लिए। निकल गई सब एकड़ी इनकी, सब एकड़ी। गब्बर के ताप से तुम्हें एक ही आदमी बचा सकता है, एक ही आदमी, खुद गब्बर। और अगर इसके बदले में मेरे आदमी तुमसे थोड़ा सा अनाज थोड़ा सा सामान लेते हैं तो क्या कोई जुर्म करते हैं? कोई जुर्म नहीं करते, मैं कहता हूं कोई जुर्म नहीं करते। बस अब इसके बाद अगर किसी ने अपना सर उठाया मैं उसका सर। सर तुम इन दोनों को बहुत सूरमा समझते हो ना, ये किराए के टट्टू इसी चौपाल में मेरे पैरों पे सर रखकर दया की भीख मांगेंगे। इन पैरों पे सर रखकर तुमने सुना मैंने क्या कहा? सुना वो सर ये पैर। चलो चलो। Bye.
ठाकुर साहब, अब हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आपके लिए जो इज्जत हमारे दिल में थी वो खत्म हो चुकी है। हम यहाँ आए थे उस बहादुर इंस्पेक्टर के लिए जिसे मालगाड़ी में डाकू की टोली के साथ अकेले लड़ते हुए देखा था, किसी बुजदिल ठाकुर के लिए नहीं जो हमारी जान बचाने के लिए अपने सामने पड़ी हुई बंदूक नहीं उठा सका। तुम लोग जाना चाहते हो, ठीक है, चले जाओ, लेकिन जाने से पहले ये बंदूक मैंने क्यों नहीं उठाई, इसकी वजह नहीं जानना चाहोगे? क्या वजह हो सकती है? तुम बुजदिल हो, डरपोक हो। बहुत लंबी कहानी है, उन दिनों की बात है जब मैं बेड़ापुर थाने में था। हमें खबर मिली गब्बर हरिपुर गांव को लूटने आ रहा है। सही वक्त पर पुलिस पहुंच गई और डाकुओं को भागना पड़ा और मैं गब्बर के पीछे। तमाम सबूतों की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुलजिम गब्बर सिंह वल्द हरि सिंह एक आदि और खतरनाक मुजरिम है। अदालत उसे डाका जनी और लूट मार के जुर्म के एवज दफा 400 ताजीरात हिंद के तहत 20 बरस के कैद बामशक्कत देती है। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। 20 बरस जेल में रहने के बाद सब भूल जाओगे गब्बर? दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। और जिस दिन मैं भाग निकला बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी ठाकुर, बहुत महंगी पड़ेगी ये दुश्मनी। ठाकुर साहब मुबारक हो, आपका पकड़ा हुआ एक और मुजरिम हमारी जेल में आ रहा है। आदमी बहुत खतरनाक है जेलर साहब। चलिए, आपकी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। मंजूर तो होनी ही थी, इतने दिनों बाद छुट्टी ले रहे हैं आप। पुराना साहब, अब की बार अगर मैं छुट्टी ना लेता तो घर वाले बातचीत करना ही बंद कर देते। क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है कि घर वालों को अपने घर में भी यही प्रॉब्लम है। कहिए कौन कौन है आपके घर में? सब है, दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, एक बेटी है वो भी शादी के काबिल है। अब की बार कोई अच्छा सा घर देखूंगा। और एक पोता भी है। पोता?
इतनी उम्र नहीं लगती आपकी? खुराना साहब, गांव में कम उम्र में ही शादी हो जाती है। शादी जल्दी हो गई तो बेटा भी जल्दी हो गया, बेटे की शादी जल्दी हो गई तो पोता भी जल्दी हो गया। अब तो कुछ 7-8 बरस का है। यानी इतना बड़ा हो गया कि छुट्टी ना लेने पर नाराज हो सके? हाँ बिल्कुल। सबको मनाने के लिए सबके वास्ते कुछ ना कुछ ले जा रहा हूँ। देख लीजिए खुराना साहब, जिंदगी भर मैंने तो कभी रिश्वत नहीं ली, लेकिन जब घर जाता हूँ तो घर वालों को रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छा जी, वेल गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सर क्या बात है राम सिंह? सर गब्बर सिंह जेल से भाग गया। गब्बर सिंह भाग गया? यस सर। लो, फिर नहीं ले। यार चाचा तू तो, हाँ हाँ तेरे बाप ने तो बहुत शेर मारे ना। चुप है। चाचा तुम दादाजी को लेने स्टेशन जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। बैठिए भाभी, जाके पूछ ले। तुम पूछ लो ना। बेटा भाभी से कह दे कि मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ। चल चल। माँ माँ छोड़, सब्जी काटने दे। माँ मैं चाचा के साथ स्टेशन जाऊँ? नहीं स्टेशन नहीं। अरे बहू, बड़ाई को कह दिया आगे फाटक बना जाएगा। और ये लो चिरौंजी, ये साबुत दाना और ये रंग। अरे छोटी बहू, अभी आती हूँ। मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, अगर कोई काम हो तो। तू जा, मैं हूँ ना। चलिए। माँ मैं स्टेशन जाऊँ? बोला ना नहीं। अरे जाना चाहता है तो जाने दो। नहीं नहीं, वहाँ रेलगाड़ी आती जाती है, मुझे तो डर लगता है। सब रेलगाड़ियों की दुश्मनी है तुम्हारे सपूत से, देखते ही पटरी छोड़कर पीछे लग जाएंगी। तुम तो बस। अच्छा बाबूजी की पसंद की सब्जी बन रही है? अरे जाने दो उसे। बिगाड़ो हमें क्या है, ऐसे ही भूत बन के जाओगे? जाओ नहा लो और फूफू से कहो। निर्मला। जी भाभी। जरा दीपक के कपड़े निकाल दे भिन्नो। जी अभी निकाल देती हूँ। जा, अब उसने तो कच्ची सब्जी चबाने लगे। जिसे देखो आज काम में लगा है बाबूजी को दिखाने के लिए। हाँ रोज तो सारा काम पुराने बरगद की चुड़ैल करके जाती है। अरे ये पहिया अभी तक यहीं पड़ा है। ये रामलाल भी बुढ़ापे में बिल्कुल सिर्री हो गए हैं। उनसे कहा था कि बैठक और बाबूजी का कमरा साफ करा दो, लेकिन अभी तक उनका पता ही नहीं। राधा के साथ मंदिर गए हैं, आते होंगे, हो जाएगा। अरे निन्नी ना के तैयार हो जाओ, स्टेशन जाना है कि नहीं? अभी आया। रुक्मिनी समझ में नहीं आता इस चिड़ीमार को राधा जैसी सुशील लड़की कैसे मिल गई। बाबूजी से कहकर मैंने बात लगवाई थी, मगर मेरा एहसान थोड़ी कोई मानता है। लाखों में एक देवरानी लाई हूँ, नहीं तो आजकल की बहुएं डोली से उतरी और आंगन में दीवार खड़ी कर दी। अब देखना अपनी निम्मो के लिए कैसा वर ढूंढती हूँ।
ठाकुर, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। कैसा फड़फड़ा रहा है साला? कमीने, कुत्ते! दे जितनी गाली दे दी है ठाकुर, जी भर के गाली दे। हरामजादे! चिल्लाओ और चिल्लाओ। याद है उस दिन मैं चिल्ला रहा था, तुम तमाशा देख रहे थे। आज तुम चिल्लाओ, मैं तमाशा देखूंगा। उस रोज कचहरी में ऐसा ताप मुझको, ऐसा ताप मुझको, अवसर मिलता तो वही हरामजादे का टेटवा दबा देता। मगर करता क्या, चार चार पुलिस वाले पकड़े हुए, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी। याद है? याद है? कोई आखिरी ख्वाहिश है तुम्हारी ठाकुर? अभी तक बहुत जान बाकी है तेरे हाथों में। बंद दो साले को। अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा।
वो हाल करके छोड़ूंगा कि दुनिया थूकेगी तुझ पर, बहुत जान है तेरे हाथों में। ये हाथ लगाम पकड़ के घोड़े को बिठा देते, बहुत जान है तेरे हाथों में। याद है ठाकुर क्या कहे थे तुम? ये हाथ नहीं फांसी का फंदा है, देख देख फंदा खुल गया, खुल गया फंदा। बहुत जान है हाथों में है, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, ये हाथ हमको दे ठाकुर। उसके बाद कुछ देखा तुमने? नहीं साहब, गोली चलते ही हमने सब खिड़की की वार बंद कर लिए। ठीक है, यहाँ पर अंगूठा लगा दो। जी साहब। इधर आइए ठाकुर साहब, ठाकुर साहब यहाँ जो हुआ मुझे इन लोगों से पता चल गया, आपसे एक और बात करनी। पुलिस को गब्बर चाहिए, जिंदा या मुर्दा, वो एक ने एक दिन आपको मिल जाएगा इंस्पेक्टर साहब। कुछ बता सकते हैं आप गब्बर सिंह के बारे में? जी नहीं। ठीक है, मुझे बस इतना ही पूछना था। शुक्रिया ठाकुर साहब। नमस्ते। साहब ये रुपए हमें नहीं चाहिए, आप इन्हें वापस ले लीजिए, लेकिन ये मत सोचिए कि हम आपका काम नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोगों ने कहा था तुम सिर्फ पैसों के लिए काम करते हो। लेकिन पैसे तो हमें फिर भी मिल जाएंगे। गब्बर सिंह को मार के तुम गब्बर को नहीं मारोगे। तुम यहां गब्बर को पकड़ के मेरे हवाले करने आए हो, जिंदा वादा करो तुम उसे मुझ तक जिंदा पहुंचाओगे। हम वादा करते हैं ठाकुर साहब, लेकिन ये रुपया आप वापस ले लीजिए। ठाकुर, गिरजा लोहार पिपरी गांव से कुछ खबर लेकर आया है। शायद गब्बर से तुम्हारी अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। जयराम जी की ठाकुर। जयराम जी की? कहो गिरिजा, क्या खबर लाया? ठाकुर, पिपरी गांव से दो कोस पे बंजारे आके रुके हैं, हीरा और उसके साथी भी हैं। ये हीरा गब्बर को बंदूकें और गोलियां बेचने आता है, एक दो दिन में गब्बर उसे जरूर मिलेगा। लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा।
गुलशन में फूल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में फूल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। अरे क्या हुआ इन्हें? घबराने की कोई बात नहीं, गोली बाजू रगड़ कर निकल गई है और जख्मी मामूली है। ठाकुर साहब, गोला बारू तो हमने आधे से ज्यादा खत्म कर दिया, लेकिन गब्बर बच कर निकल गया। कोई बात नहीं यार, फिर कभी सही। दवा समझ कर दो घूंट मार ले, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर तू पीना छोड़ दे तो तेरी बहुत सी तकलीफें कम हो जाएंगी। आप राम राम। इमाम साहब सलाम, ये खत है आपका, लीजिए। जबलपुर से ही आया होगा। अरे गुलजारी लाल, जरा पढ़ भी देते। जी पढ़े देते। अरे मेरा चश्मा इसी जेब में तो था। इधर है, वो जो आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे पास है, ये लीजिए। आ गई बक्कन। वो हुआ ऐसा कि हम उधर से आ रहे थे और आप इधर से जा रहे थे, इधर आप साइकिल पर थे और हम उधर पैदल, आप तो साइकिल पर निकल गए और वहीं के वहीं हमको ये चश्मा मिला और वहीं के वहीं हमने सोचा ये कि ये चश्मा आपका है। देखने वाली बात ये कि ये चश्मा तो आप ही का निकला, यूं कि अच्छा अच्छा, अब जरा मुंह को आराम दे तो मैं ये खत सुन लूं, तेरी मिसाल बाद में सुनेंगे। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया। हाँ गुलजारी लाल। जनाब भाई साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। बात सलाम, आपको खबर मिले कि यहाँ सब खैरियत है और सब आपकी खैरियत अल्लाह ताला से नेक चाहते। दीगर अहवाल ये है कि अहमद मियाँ की नौकरी पक्की करा दी गई, तनख्वाह 200 रुपए हो गई, रहने खाने पीने के लिए तो गरीब खाना मौजूद है। अच्छा है, मामू की निगरानी में रहेगा। हाँ अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं। इस मामले में देर करना मुनासिब नहीं होगा, इसलिए थोड़े को बहुत और खत को तार समझें, अहमद मियाँ को जल्द अज जल्द रवाना कर दें। बाकी खैरियत है, घर में सब सलाम कहते हैं। फकत आपका मुकैतुल्ला। जी आने दो अहमद को, अब नहीं सुनूंगा उसकी। ये तो आपने ठीक बात की, लेकिन आने क्या दे, वो तो आया हुआ है। देखो अब्बा, मैं जाने वाला नहीं हूँ। यूँ कि ये तो वही मिसाल हो गई। अरे भाई अजीब बेवकूफ है ये लड़का। ए मियाँ, मैं तो अब कब्र में पांव लटकाए बैठा हूँ, तुम्हारे सामने सारी जिंदगी, कब तक मेरे दामन से बंधे बैठे रहोगे? और फिर ऐसी नौकरी रोज रोज नहीं मिलती है भाई। बच्चू इमाम साहब बात ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, हमने तो यहाँ तक सुना है कि बड़े से बड़े शहर जैसे मुरादाबाद हुआ, मीरठ हुआ, वहाँ भी लोग नौकरी के लिए मंदिर तक। अरे मंदिर क्यों, क्या हुआ? वो हुआ ऐसा कि हम निकले थे घर से मंदिर जाने और देखा तो इनका चश्मा मिल गया। इनके चश्मे का पाते ही हम भूल गए कि हमें जाना कहाँ है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब हमें याद आ चुका है। ए वीरू, तेरी टांगे वाली। ए बसंती, आज पैदल
तुम्हारी धनों क्या तांगे के साथ भाग गई? हमें लगता है तुम्हारी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि हमारे गांव में किसी के साथ भागने की रीत बिल्कुल नहीं है। हमारी धनु इज्जत के साथ घर पर है, लेकिन आज सोमवार है और मौसी कहती है, देख बसंती, जो सोमवार के सोमवार शिवजी के मंदिर में माथा टेकेगी तो ऐसा पति मिलेगा तुझे कि दुनिया जलेगी। मैंने कहा हाँ, ऐसा तो ठीक है, नहीं तो मुझे कौन से किसी उठाएगी जैसे ब्याह करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, जय राम जी की। जय राम जी की। प्रभु, संसार में ऐसी कोई बात तो है नहीं जो तुमसे छुपी हो, तुम तो सब जानते हो। देखो मैं ये तो नहीं कहती कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कह देना अच्छा होता है। आज सोमवार है, बस एक छोटी सी विनती है प्रभु। देखो जरा देखो, ये तांगे की लगाम खींचते खींचते हाथ ऐसे हो गए हैं जैसे घोड़ी के घुर। अरे तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, बस ऐसी जगह बात लगा प्रभु की बसंती रानी बनकर राज करे, यूं कि मजा आ जाए जिंदगी का। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। प्रभु तुम चमत्कार हो गया। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया? वाह प्रभु, क्योंकि तुमने सोचा है तो ठीक ही सोचा होगा, लेकिन फिर भी अगर नाम बता देते या अगले सोमवार आओ, जैसा तुम कहो प्रभु। वर का नाम है वीरू। वीरू? प्रभु ये मेरी जिंदगी का सवाल है, जल्दी से काम मत लेना, भले चार सोमवार और लग जाए। देखने में तो ठीक है, लेकिन सारा बहुत होशियारी मारता है। चुप रहो कन्या। बेफुजल की बात करने की आदत तो मुझे है नहीं प्रभु, जो तुम्हारी आज्ञा। यदि हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया तो सारी उम्र कमारी बैठी रहोगी। हाँ प्रभु। और सुनो, क्योंकि यूं के धनों के साथ तांगा चलाती रहोगी, हमारी आज्ञा है कि जाओ और अपनी मौसी से खुले शब्दों में कह दो कि वीरू को ही तुम्हें जीवन साथी बनाना है, और आज से वीरू का आदर करना तुम्हारा धर्म है, इसलिए कि उसी के चरणों में तुम्हारा स्वर्ग है। यदि तुमने उसे प्रसन्न किया तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, और यदि तुमने उसे क्रोधित किया तो हम क्रोधित हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए जा। बसंती, 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 मैंने सोचा यूं ही। तुमने सोचा ये कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको तो अकल है नहीं, और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर बसंती तुम जैसों को हाथ में बेचकर आएगी। हाँ, अब तुम यहाँ बैठकर रमा धुनी, बसंती चली अपने घर। बसंती, बसंती सुनो तो। आज मैंने कुछ सोचा है।
कभी कभी ये काम भी करना चाहिए। आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला, तू बसंती से शादी करना चाहता है। अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है। और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा आठवां फैसला है। ये फाइनल है यार। फाइनल? सुबह से दारू पी रहा ना यार? पार्टनर मेरा एक काम कर दे। क्या? वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए। मैं क्यों करूं? अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। जय, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन? देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर। जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा। घर तो तेरा होगा। एक बीवी होगी। तेरी होगी। सात आठ बच्चे होंगे। तेरे होंगे। पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना, प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ। यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली। समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी माँ होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा देते। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला? साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बस, बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा। सच? अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं। हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछ नहीं पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा। तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा। हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ। हाँ? तो क्या जुआरी है? छी 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 मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है। ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं, वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी। अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक? मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ। अच्छा, तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे। एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? पक्का?
भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं। अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू न जाने क्या करेगा। कट जाऊंगा, फन जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ भैया, जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड। अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है? अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं? वो अरे भाई, बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो? ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय। अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है? अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं। लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं? भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुक जाओ, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ। अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम यहाँ बैठे हो? क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो, तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया? देखो, मेरा दिल भर चुका। देखा, देखा तुमने? हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा। योगी, मैंने एक से एक जालिम देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो अरे संभालो, या न दोस्त, इसलिए मैं जान दे कर रहूंगा। लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहाँ कोई प्रेमी जान देता है वहाँ भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है। कैसी मुसीबतें आएंगी? अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail. In jail, बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा। अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी? अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जान दे कर रहूंगा। एक, दो, मौसी, मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से? वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ। अरे गांव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ। मौसी, मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा। अब मैं क्या करूँ चाचा? अच्छा अब्बा, जा रहे हो मियाँ? जाओ, अल्लाह के सपुर्द पहुंचते याद से खत लिख देना खैरियत का। जी अब्बा।
मियां तुम खाने पीने के मामले में बड़े लापरवाह हो, जरा सेहत का ख्याल रखना। भाई खुदा बख्शे, हमारे वालिद कहा करते थे कि जान का सदका माल और इज्जत का सदका जान। चल थोड़ी दूर साथ चलता हूँ, सैर भी हो जाएगी। नहीं अब्बा, आप आराम कीजिए, मैं यहीं से चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आओ भाई जरा। चल बे जंगा, चिड़ी की रानी है। चिड़ी की रानी तो ठीक है सांभा, वो देख चिड़ी का गुलाम आ रहा है। सरदार, ये रामगढ़ का छोकरा है, स्टेशन जा रहा था, हमको रास्ते में मिल गया। बसंते, ओ बसंते, ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इमाम साहब। कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? हाँ आप आइए मेरे साथ, आइए। क्या हुआ था बेटा, ये कहाँ लिए जा? हाँ? अहमद, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम साहब, मैं अब क्या तसल्ली देते हो ठाकुर, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हाँ सुन लो, और तुम भी सुन लो गांव के लोगों, गब्बर की ये चिट्ठी रामगढ़ के वासियों देख लो, ठाकुर की बातों में आकर गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी। इसलिए अगर बाल बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलते ही ठाकुर के दोनों आदमियों को पुरानी टेकरी पर हमारे हवाले कर दो, डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह। अरे इतने बड़े संकट में हमें डाल दिया ठाकुर, ये क्या किया तुमने? दीनानाथ,
इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। ठाकुर, हम डाकुओं को अपने जीने का मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम किसान हैं, सिपाही नहीं। हाँ शंकर, हम किसान हैं। ये देश तो युग युग से किसानों का देश है, लेकिन जब जब किसी जालिम ने हमला किया है, गंगा कसम हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। हमारी रगों में कायरों का खून नहीं है, कायरों का खून नहीं है हमारी रगों में। लेकिन बेटा, इस खून खराबे से क्या होगा? भला अहिंसा भी तो एक चीज है। अहिंसा को मैं भी मानता हूँ चाचा, लेकिन एक दुष्ट पापी के सामने सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुजदिली है। जो झुकते नहीं और टूट जाते हैं ठाकुर। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम, मगर जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा। अरे कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम अगर ये दोनों इस गांव में रहे? अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है तो कर दो हमें गब्बर के हवाले, हम तैयार हैं। आप तो वही होगा जो होना चाहिए, हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा, इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें। आगे आपकी मर्जी। मेरी नमाज का वक्त हो गया, आज पूछूंगा खुदा से मुझे दो चार बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए। कोई मुझे मस्जिद तक। चलो चलो। अरे ये क्या है, चिट्ठी? काले अक्षर भैंस बराबर, चिट्ठी नहीं तो क्या है, पढ़। गब्बर सिंह, तुम अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। चार मारेंगे? अरे देख तो लो, दोनों वही हैं कि किसी और को मार के फेंक दिया है।
और सिंह, तुम अगर एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। अब आएगा मजा। बहुत दिन के बाद गब्बर को कोई मिला है जो इतनी बात कर सके। अब आएगा मजा खेल का, और ये खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, और साथ में खत्म होगा रामगढ़ का एक एक घर। ये लीजिए, बहुत तंग कर रहा था आपको। बहुत दुखियारी लड़की है बेटा, अब तो लगता है मानो मुंह में जवानी नहीं है। और पहले इसे देखता हूं तो हमेशा वही याद आता है जब हम पहली बार ठाकुर के साथ उसके गांव गए थे होली के दिन। अरे अरे बस बस बस, होली है भाई, होली है, पुरा न मानो, होली है, होली है, बस होली है। सारे रंग डालेगी तो तेरे बाप के साथ क्या होली खेलूंगा मैं? अरे बाबूजी के साथ क्या होली खेलेंगे आप? उनको होली खेलना आती कब है? सब मेरे शिखर के सामने बुरा लगा कर बैठे। जब भी कोई आया बड़ा हुआ तो बाबूजी ने उनके पैर छू लिए, और छोटा हुआ तो उसने बाबूजी का पैर छू लिया। बस थाली से चुटकी भर रंग लिया, लेकर माथे पर लगा दिया, गले लग के हो गई उनकी होली। ये भी कोई होली है? होली तो हम लोग खेलते हैं। अच्छा तुम लोग कैसे खेलते हो? हम लोग वो पारो है ना, पारो। पारो? हाँ पारो। पारो के आंगन में एक बड़ी सी पानी की नांद है, हमने सारा रंग उसमें घोल दिया है। सब लोगों पर रंग डालते हैं और हम लोगों को रंग में डालते हैं। कोई भी आया चमक से फेंक दिया रंग में। अच्छा ये बता, तेरे घर तो कोई पानी की नान नहीं है? पता चला मैं और रामलाल दोनों खड़े हैं गले गले पानी में। देखिए मैं क्या करती हूँ। बाबूजी। कौन? आज भी डर गए। पगली कहीं की। अरे ठाकुर साहब कहती भी नहीं। आइए 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 आइए, होली मुबारक हो। आपको भी। अरे तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? ठाकुर चाचा को कुछ मिठाई उठाई खिलाएगी या नहीं? हाँ अभी लाएगा। बाबूजी आपकी वो थाली लाओ। कौन सी? वही आपकी जिसमें से दो चुटकी रंग। हाँ जा 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 लिया। आइए ठाकुर साहब आइए, अंदर तो हड़बोंग मची हुई है, वहां चल के बैठते हैं। और कहिए रामलाल जी, सब कुशल मंगल? बस कृपा है मालिक। और ठाकुर इस साल फसल तो अच्छी गई ना? नर्मदा जी मैं तो परदेसी हो गया हूँ, ये खेत खलियान की बातें रामलाल ही जाने, हमारे खेतों पर इन्हीं की हुकूमत चलती है। मिठाई वाला भाई, मिठाई वाला ठाकुर चाचा, मुँह खोलिए। अरे बस बेटी। रामलाल जी चलिए, रामलाल जी मुँह खोलिए। अरे बिटिया हमें तो हम खुद खा लेंगे। जी नहीं, हम आपको खिलाएंगे, मुँह खोलिए। दो ना बिटिया। नहीं रामलाल जी, आपकी बेटी समान है, कैसी है तो खा लीजिए। हाँ, कैसी है तो खा लीजिए, चलिए। अरे पापा दो चुटकी वाली रंगों की थाली अभी लाइए। बहुत हसमुख है। अरे ठाकुर साहब दिन भर धमा चौकड़ी, दिन भर धमा चौकड़ी। होली है भाई, होली है, चुटकी वाली होली है, होली है भाई होली। ये रही आपकी दो चुटकी वाली रंगों की थाली, मैं जाती हूँ। अरे अब कहाँ जा रही है? अपने सहेलियों के पास होली खेलने जाऊं। अभी तक दिल नहीं भरा तेरा होली से? ठाकुर चाचा होली रंगों का त्योहार है, लाल पीले नीले हरे, कैसे दिल भरेगा रंगों से? जरा आप ही सोचिए, अगर ये रंग ना हो तो कैसी बेरंग लगेगी ये दुनिया? हा? और अब देखो तो सचमुच कैसी बेरंग हो गई है इसकी दुनिया। अरे भैया जब हाथों की मेहंदी का रंग आंसुओं से धुल जाए तो कौन लोग बचेगा जीवन में?
यार वीरू, मैंने एक फैसला किया है। अच्छा, अब तू भी फैसला करने लगा? हाँ यार, सोच रहा हूँ तू तो कर ही रहा है, मैं भी कर लूँ। क्या? शादी। शादी? अबे तू शादी करेगा? हाँ यार, बहुत हो गया। अब तो यही सोचा है कि एक सीधी सादी जिंदगी हो, एक घर हो, बीवी हो, ढेर सारे बच्चे हो, तेरे कंधे पे खेलें, तूने कहानी सुना। बस 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 बस, हुजूर जरा तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए ना। आप जानते हैं कि शादी के लिए कम से कम एक लड़की की जरूरत होती है, तो आपने लड़की देखी है? देखिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो? राधा। राधा? ये राधा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, जानता है कौन है वो? देख फिर, आजकल तो चोरों डाकुओं को दोबारा बसाने, उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश की जाती है, और फिर राधा का तो कोई दोष भी नहीं है। क्या उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का कोई अधिकार नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? समाज और बिरादरी वाले क्या कहेंगे? समाज और बिरादरी इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए बने हैं नर्मदा जी, किसी को अकेला रखने के लिए नहीं। और फिर क्या दूसरों के डर से हम अपनी राधा को जीते जी मार डालें? अब हमारा आपका क्या भरोसा? आज हैं कल नहीं, किसके सहारे जिएगी, कहां जाएगी, यही सब सोच कर आया था। ऐसा आप उसके पिता हैं, आप चुप हैं। नहीं ठाकुर साहब, वो अब आपकी बेटी है, जो आप समझें वो ही ठीक है उसके लिए। फिर भी आप एक बार देख लीजिए जय को, मैं एक दो दिन में उसे आपके पास भेजता हूं। जय, किस गुंताड़े में बैठा है? कुछ नहीं यार। समझ गया तू किस उधेड़ बुन में है। तू सोच रहा है बात जमेगी नहीं जमेगी, काम होगा नहीं होगा। एक काम करना, तू टॉस कर ले, हेड तो हाँ, टेल तो। यार वीरू, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो यहीं क्यों नहीं रह जाते, इसी गांव? हाँ, ये कही ना मेरे दिल की बात। कसम से यार, मैं भी यही सोच रहा था। चोरी चकारी की जिंदगी में साला कोई दम नहीं, बहुत दिन जेल और हवालात में काट लिए। अब पैसे वैसे मिल जाएं, इसी गांव में थोड़ी सी जमीन ले लेंगे, अपने घर बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। पर यार, हल वल तो अपने को चलाना नहीं आता, खेती कैसे होगी? बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, नेकी हल चलाना सिखा दी। बात तो ठीक है जय, हाँ जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैंने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है, शादी करूंगा अपनी तांगे वाली के साथ और 2-3 साल में ही 2-3 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करूंगा। मैंने तो सालों के नाम तक सोच रखे हैं। और जब मैं पूछूंगा, अरे ओ शेरू की माँ, बच्चे कहाँ गए हैं, बड़े प्यार से जवाब देगी, अजय जाएंगे कहाँ, यहीं गए होंगे, कहानी सुनने अपने जय चाचा के पास। अबे जब तू अपने होने वाले बच्चों की बात करता है, उन्हें कहानी सुनने मेरे पास भेज देता है, ये क्या चक्कर? देख जय, तू अच्छी तरह जानता है मुझे कहानी वानी याद नहीं रहती यार। कहानी याद नहीं रहती तुझे? तो ये भी याद नहीं कि कल क्या हुआ था? कल? अरे कल का तो याद है, कल मैं बसंती से मिला था और आज सुबह तालाब पर फिर मिलने का वादा किया है। आज सुबह? हाँ, मैं चला। जय
अरे ओ सांभा, ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पीसा आटा खिलाते हैं रे? जरा दारी के हाथ पांव देख, बहुत करा रहे हैं इस साल, बहुत करा रहे हैं। सरदार, पिछले बरस हम हरिपुर वाले जमुना दास की शादी में छुप छुपा कर गए थे, वहां बहुत जोर नाची थी ये। वाह, बहुत कटीली नचनिया होगी, जरा हमको भी दिखाओ दो चार ठुमके। देखो छमिया, ज्यादा नखरे मत करो, नहीं तो ये गोरी चमड़ी है ना, सारे बदन से खुरच खुरच कर उतार दूंगा, समझी? बीरू, ठहरो रानी, बांधो साले को। बहुत याराना लगता है। आओ महारथी, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। ए, इस छमिया से तेरा टांका भिड़ाई क्या रे? आराम साधे, तुझसे बड़ा कमीना मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और अब देखोगे भी नहीं, क्योंकि जिंदगी तो अब खत्म होने वाली है। आराम जागा। बहुत यारा ना लगता है। बहुत यारा ना लगता है। अरे ओ सांभा, उठा तो जरा बंदूक और लगा निशाना इस कुत्ते पर। अब देखो छमिया, अगर अपने यार की जिंदगी चाहिए तो जरा कुछ नाच गाना दिखा दियो हमको भी। नहीं, बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा, एक पल और नखरा किया ना तो तेरे यार की खोपड़िया उड़ जाएगी। और सुनो चम्मक छल्लो, जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी।
कोशिश की तो भून के रख दूंगा। गब्बर सिंह, अपने आदमियों से कह दो कि अपनी बंदूकें फेंक दें। चलो। का पीछा करो जाओ और खाली हाथ बता रहा हूं जादू।
जय तू ठीक है ना? फिरु, हम तीनों एक घोड़े पे इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। मैं इन लोगों को इधर ही रोकता हूँ, तुम बसंती को गांव में छोड़ के आ और चार पांच पेटियां कारतूसों के लिए चल। नहीं, अगर कोई रुकेगा तो मैं रुकूंगा। तुम बसंती को लेकर जल्दी निकल जाओ। कभी तो मेरी बात मान लिया करो, तुम बसंती को लेकर जाओ, मैं ये रुकूंगा। मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन हमें से एक को तो जाना ही पड़ेगा फिरू, वरना थोड़ी देर में हमारे कारतूस खत्म हो जाएंगे। चलना तेरी बात है मेरी बात, टॉस कर लेते हैं। मैं रुकता हूं। लेकिन चाहे मैं तुम्हें अकेले। लेकिन लेकिन कुछ नहीं फिरू, अपने बंदूक का कारतूस यहीं छोड़ जाओ, बसंती गले को जल्दी जाओ, जाओ। चाहे तुम्हें अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं कर रहा, अपना ख्याल रखना।
तो ठीक है ना? हाँ वीरू, मैं ठीक हूँ। देखा, एक एक साले को मार के आ। जय, जय, जय तू घबरा मत, जब तू मेरे साथ है वीरू, तो मैं क्यों घबराने लगा? जय, हम लोग अपने गांव चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरा, मेरा खेल खत्म हो गया वीरू। नहीं, खत्म हो गया। नहीं, नहीं जय, नहीं, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। लेकिन, लेकिन कोई दुख नहीं वीरू, जिए तो दोस्त के साथ, मरे तो दोस्त के सामने, बस एक बात रह जाएगी वीरू, तेरे बच्चों को कहानी नहीं सुना सका। तुम्हें कुछ नहीं होगा जय, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन, लेकिन वीरू, तुमने हमारे दोस्ती की कहानी जरूर सुना ना, ये कहानी तो नहीं भूलेगा ना। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देख वीरू, देख, ये कहानी भी अधूरी रह गई वीरू, क्या सोचा था और क्या। जय, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। जय, नहीं जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूं, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। गब्बर सिंह, अलार्म! We'll be right back.
ठाकुर, अगर ये वादा मैंने किया होता तो आज तोड़ देता। ये वादा मेरे दोस्त जय ने किया था, इसलिए लड़ेगा मुझसे ठाकुर, तेरे तो हाथ काट कर फेंक चुका हूं मैं। सांप को हाथ से नहीं पैरों से कुचला जाता है कब्बर, तेरे लिए तो मेरे पैर ही काफी है।
छोड़ दीजिए इसे। मुजरिम को सजा देना कानून का काम है। कानून को कब पर चाहिए इंस्पेक्टर, जिंदा या मरना? क्या आज आपके अपने जज्बात फर्ज और उसूलों से ज्यादा कीमती हो गए? क्या आज आपकी नजरों में कानून और इंसाफ का वो दर्जा नहीं रहा? ठाकुर साहब, मैं जानता हूं आपका क्या कुछ भी, लेकिन ये ना भूलिए कि आप एक ऐसे पुलिस अफसर रहे जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। मैं चलता हूं। मैं तुम्हारा दुख बांट तो नहीं सकता, समझ जरूर सकता हूं,